हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दही पकौड़े, जो कि बहुत ही चटपटा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप पराठे और चावल रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो अगर आपको बनाना है तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो मैंने दही पकौड़े बनाने के लिए 2 कप, छोटे कप से 2 कप बेसन लिया हुआ है। और बेसन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैटर तैयार करेंगे। मीडियम सा बैटर हमें बनाना है। तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च हमने लिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा साबुत जीरा। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाल दिया है और आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और लास्ट में हम ऐड करने जा रहे हैं फ्रेंड्स नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। दही में भी हम नमक का यूज करेंगे, इसलिए हम नमक थोड़ा कम ही डाल रहे हैं इसमें। अभी हम फटाफट से इसमें पानी ऐड करेंगे। गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। एक चम्मच का चौथाई मैं यहाँ कुकिंग सोडा ले रही हूँ, जिससे कि जो हमारे पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और हल्के बनेंगे। इस वजह से पानी स्टार्टिंग में ज़्यादा मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल थिक सा मैंने बैटर रेडी किया हुआ है और इस तरह से ही रेडी करके रखना है। अब इसे हम 10 मिनट रख देंगे। इसके बाद आइए फटाफट से हम दही को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 500 ग्राम दही लिया है और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही बहुत गाढ़ी नहीं रखनी है और थोड़ा भी ये गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर रहे हैं। जैसे कि छाछ का बैटर, जैसे छाछ होता है, उसी तरह हमें दही को तैयार करना है, ताकि जो हमारे पकौड़े हैं इसमें अच्छे से डीप हो सके। तो ये हमारी दही पूरी तरह तैयार है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ डाल रहे हैं इसमें काला नमक, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आधा चम्मच हम डाल रहे हैं सादा नमक। नमक की क्वांटिटी आप टेस्ट कर लें, या आपको अंदाज़ा हो उस हिसाब से डालें। फ्रेंड्स, मैंने लिया है आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब भुना हुआ धनिया पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। और यहाँ मैंने कटी हुई हरी मिर्च लिया है और थोड़ा सा धनिया डालेंगे और 2 चम्मच प्याज। अगर प्याज आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को डाल लिया है दही के अंदर। अब इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो यहाँ मैंने दही को फेंट लिया है फ्रेंड्स अच्छे से। अभी इसे हम ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, जिसमें हमने ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल को पूरी तरह हीट कर लेना है, जब तक कि ऑयल में से स्टीम जैसा निकलने ना लगे तब तक हमें ऑयल को हीट करना है, क्योंकि पकौड़े डालने के साथ ही तुरंत फटाफट से हमें निकाल लेने हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स और बहुत चटपटी बनती है। बनाने में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। आप फटाफट अपनी आंखों को बंद करके बना सकते हो, आप किसी को पता नहीं चलेगा। 10 मिनट के अंदर आप इसे तैयार कर सकते हो। आप किसी भी चीज के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम छोटे छोटे पकौड़े डालने जा रहे हैं ऑयल में। आप चाहे तो चमची का यूज कर सकते हैं, मैं हाथों से ही डाल रही हूँ, कंफर्टेबल है। साइज आप अपने हिसाब से, आपको बड़े पकौड़े पसंद है तो बड़े ही डाल सकते हो, छोटे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आप छोटे ही डालो, लेकिन मैं छोटे डाल रही हूँ। पकौड़े डालने के टाइम गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि हमारा पकौड़ा डालते टाइम जले ना। तो मैंने डाल दिया है और गैस को मीडियम कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पकौड़े को हमें किस तरह से पलटना है हम आपको बताते हैं। हमें चमची और कलछी से पकौड़े को नहीं पलटना है, हमें चिमटे से पलटना है। इससे बहुत आसानी से पलटा जा सकता है। अब मैंने इसे पलट लिया, फटाफट से हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। एक गहरा सा मैंने चमचा लिया है जिससे हम तुरंत इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा इसे डार्क फ्राई नहीं करना है, बस इसका कच्चापन इसमें ना रहे। अब सेम तरीके से हम सेकेंड राउंड को भी ऐसे ही डालेंगे, छोटे छोटे पकौड़े, और फटाक से फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ये कितने सॉफ्ट पकोड़े बने हुए हैं, बहुत ही नरम है ये। अभी फटाफट से इसे हम दही के अंदर डाल देंगे। गर्मा गर्म ही डालना है, ठंडा नहीं करना है। तो ये हमारी दही है, रायते वाली दही, और इसके अंदर हम पकोड़े को डाल देते हैं और इसे हम ढक देते हैं। मैंने दूसरे राउंड जो बनाए थे उसको भी हम इसमें डाल देते हैं और एक कलछल से इसे हम अंदर डीप कर देंगे। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे ठंडा होने के लिए। सेट होने के लिए, ताकि बड़े और फूल जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे धनिया से। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर 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 बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो भी बताएं, बुरा लगा हो तो भी बताएं। तो इसी तरह से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।